तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट में हम बात करेंगे। केवल 60,000 नियोजित शिक्षकों ने बीपीएससी तैयारी के लिए आवेदन किया था, जिसमें से 42,000 सफल हुए हैं। जी हां दोस्त, इस समय की पहले बड़ी अपडेट है कि कितने बच्चे कहां के नौकरी पाए हैं। अगर सभी 5 लाख नियोजित शिक्षकों ने आवेदन किया होता तो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए एक भी सीट नहीं बचता। जल्दबाजी में कराया जा रहे काउंसलिंग के कारण अभ्यर्थियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। देखिए दोस्तों, जल्दबाजी की बात तो नहीं है, लेकिन इतनी तेजी से नौकरी देने की बात हो रही है, ठीक है ना। और देखिए सर्वर में दिक्कत हो जाती है। एक और बड़ी अपडेट जरा देखिए, बीपीएससी तैयारी में कुल 1,22,000 सफल अभ्यर्थियों में से लगभग 42,000 नियोजित शिक्षक है और 15,000 से 18,000 अदर स्टेट के अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है। तो जरा समझेंगे कि मामला कहाँ से फंस रहा है, आपके साथ बड़ा धोखा कैसे हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जो ये नियोजित शिक्षक हैं इनकी सैलरी पहले से ही ठीक ठाक है। अगर दोस्त ये 42,000 नियोजित शिक्षक ना होते तो क्या दोस्तों बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलता है? डेफिनेटली मिलता है। जो नियोजित शिक्षक हैं वो पहले से दोस्तों 35,000 लगभग सैलरी पा रहे होंगे, ठीक है। जो बीपीएससी की तरफ से नौकरी पाएंगे उनकी सैलरी 40,000 से समथिंग रहेगी। तो जरा देखिए नियोजित शिक्षक वाला मामला फंस क्यों गया, क्योंकि देखिए इनको राज्य कर्मी का पहले जो दर्जा मिलने वाला था बिना शर्त के, लेकिन दोस्तों बाद में कंडीशन को अप्लाई कर दिया गया कि भाई आप पेपर देंगे, अगर आप उसको 3 बार में क्लियर कर लिए तब तो आपकी नौकरी रहेगी, नहीं तो आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद नियोजित शिक्षकों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो भैया उनको बीपीएससी तैयारी में पीआरटी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करना पड़ता, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर उनको बिना शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाता तो हमने आपको जो बोला था कि मिनिमम कटऑफ पर आपकी नौकरी लग सकती है वो संभव होता। अब बताइए 42,000 नियोजित शिक्षक नौकरी पा गए, उसका रीजन ये है कि कटऑफ को कम रखा गया था, ठीक है। और एक और अपडेट, शिक्षा विभाग की तरफ से वेटिंग लिस्ट जारी करने को लेकर अभी तक कोई आदेश नहीं दिया गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शेष बची रिक्तियों को अगली बहाली में जोड़ा जाएगा। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं। जैसे दोस्तों आप 9 से 10, 11 से 12 में जो सीटें बच रही हैं उसको नेक्स्ट वैकेंसी में सम्मिलित करने की बात हो रही है, तो हो सकता है कि जल्दबाजी में एक और डिसीजन ले लिया जाए और जो भी इस वैकेंसी में सीटें बच जाए उसको एक न्यू शिक्षक भर्ती के रूप में ले आया जाए। लेकिन दोस्तों अगर नई वैकेंसी में आएगा तो जो बच्चे फ्रेश कैंडिडेट है डीएलएड के, उन बच्चों को भी मौका मिलेगा, बीएड पूरी तरीके से बाहर होगा। अगर एक और वैकेंसी प्राथमिक शिक्षक भर्ती या पीआरटी में देखने को मिले हमें, तो वहां से बीएड को पूरी तरीके से बाहर समझा जाएगा। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसको आप जरा ध्यान में रखें, ठीक है। तो बीएड छात्रों को कंप्लीटली बाहर माना जाएगा। अब देखिए मुख्यमंत्री शिक्षकों को गांधी मैदान में देंगे नियुक्ति पत्र, ये भी दोस्त एक बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। 25,009 नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम, जिनके नाम में त्रुटि उनकी काउंसलिंग 31 के बाद, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या मामला चल रहा है, ठीक है। जिनके नाम व आधार में गलती उसका लिया जाएगा हलफनामा। तो देखिए अगर आपने छोटी मोटी गलती कर दी है तो उसको आप एफिडेविट के माध्यम से बचा सकते हैं, इतना टेंशन वाली बात नहीं होती, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात होती है एकेडमिक और इन सब डिटेल्स में गलती आपको नहीं करना। और देखिए बहुत से बच्चों का सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाया, वो थे तो एससी कैटेगरी के, ओबीसी के थे, एसटी के थे, लेकिन जल्दबाजी में दोस्त उन्होंने कैटेगरी डालना ही भूल दी और वो हो गए जनरल। अगर आपने छोटी सी भूल कर दी तो भाई आप यूआर कैटेगरी में आप काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये सब गलती की वजह से भी दिक्कत हुई। अब आपको बता दें सीटेट फेल भी हुए सफल। जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी ने कहा दस्तावेज सत्यापन के दौरान होंगे बाहर। तो यही सब बातें हैं कि जिसकी वजह से बच्चे वेट कर रहे हैं कि क्या हमारी कोई एक वेटिंग लिस्ट आएगी या दोस्तों ये सभी जो पद बचे के उनको नई शिक्षक भर्ती के रूप में भरा जाए। अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो बहुत से बच्चों को फायदा होगा जिन बच्चों के नंबर कम है, अगर नई भर्ती आती है तब तो भैया सबको फायदा हो जाएगा। और देखिए नियोजित शिक्षक कैसे इतना अच्छा स्कोर कर गए ये भी आपके संदेह में होगा, डाउट में होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब शिक्षा मित्रों की बात आई थी तो आपको दोस्तों बता दें यूपी की वैकेंसी में शिक्षा मित्र मात्र 8,018 शिक्षा मित्र पास हुए थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से बिहार में देखने को मिल रहा है नियोजित शिक्षक की भाई लाइन लग गई है, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। देखिए भैया जो ये बीपीएससी है ना, ये डाटा क्लियर दे नहीं रहा, ठीक है। अभी सिर्फ कयास लगाया जा रहा है कि 15,000 से 18,000 अदर स्टेट वाले बच्चे हो सकते हैं, एकदम क्लियर डाटा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो भैया बीपीएससी को एक ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से सब कुछ क्लियर करना चाहिए कि हमारी फाइनल कट ऑफ कितनी थी, कितने बच्चे डीएलएड के थे, कितने बच्चों ने बीएड में स्विच करने के बाद, जैसे बीएड के बच्चे डीएलएड में स्विच करने के बाद कितने बच्चों को नौकरी मिली, क्या क्या पूरा माजरा है, कितने बच्चे सीटेट अपेयरिंग छात्र थे, कितने बच्चे डीएलएड के अपेयरिंग छात्र हैं। देखिए तो उससे बिल्कुल क्लियर डाटा मिलता है, सवाल यही है नॉर्मलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, देखिए अगर पुरुषों की कट ऑफ 68 गई है,
अगर कोई महिला उम्मीदवार 68 या इससे प्लस में नंबर पाएगी तो सबको क्या कर दिया गया, यूआर कैटेगरी की मेल कैंडिडेट की सीट अलॉट कर दी गई फीमेल को भी। ठीक है, इससे दोस्तों मेल कैंडिडेट्स का काफी बड़ा नुकसान हो गया। अब देखिए किसी का फायदा किसी का नुकसान। फीमेल कैंडिडेट्स को ऑलरेडी 50% का आरक्षण मिला था, उसके बावजूद इन कैटेगरी में इनको ओवरलैप करा दिया गया। देखिए जब पेपर कराने की बात थी, याद होगा आपको वो 24 अगस्त का दिन, ठीक है, तब तो मेल शिफ्ट का पेपर अलग कर दिए, फीमेल अलग कर दिए। ठीक है, जब सब कुछ ही अलग करना था तो एक नॉर्मलाइजेशन तो कर देते भैया, डायरेक्टली कैसे फीमेल कैंडिडेट्स को मेल में क्वालिफाई करा दिया। तो आप समझिए कि क्या क्या गलतियां हुई हैं। अभी दोस्तों कोई भी क्लियर स्पष्टीकरण नहीं आया है, ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम। बहुत से बच्चों को लग रहा है कि भाई कैटेगरी वाइज जो ओवरलैपिंग है उसको ठीक तरीके से नहीं कराया गया, स्कोर कार्ड जारी नहीं किया जा रहा है वेटिंग लिस्ट वाली। जी हाँ दोस्तों, सीटेट भैया क्या स्कोर जारी कर सकता, तो बीपीएससी को क्या पड़ा, वो स्कोर जारी क्यों नहीं कर रही है। ठीक है, बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हुआ, बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों के नंबर अच्छे थे उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन किसी भी बच्चे के मन में डाउट नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में हमने 6,800 सीटों पर आरक्षण घोटाला देख चुके हैं, मामला कोर्ट में, और बच्चों का कहना है कि 19,000 पदों पर आरक्षण घोटाला। अभी तक दोस्तों ये क्लियर नहीं किया गया कितने बच्चे ओबीसी कैटेगरी से यूआर कैटेगरी में चले गए, कितने बच्चे एससी कैटेगरी से यूआर कैटेगरी में गए, क्या ओवरलैपिंग की पद्धति अपनाई गई कि डायरेक्टली नौकरी दी गई। सवाल बहुत से हैं, आंसर कोई नहीं मिल रहा है। देखिए काम इतना ज्यादा जल्दबाजी में किया जा रहा है कि कोई बच्चा सोचने तक का समय ना मिले। ठीक है, तो जो भी दोस्तों अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप लोग देखिए तैयारी में लगे रहिएगा, महिला और पुरुष का अलग अलग कट ऑफ बनना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बड़ा घोटाला हुआ था, क्या दोस्त उससे बड़ा घोटाला यहाँ बीपीएससी में हमें देखने को मिल रहा है। देखिए होता क्या है ना, अभी किसी की बच्चे को कुछ पता ही नहीं है कि हुआ क्या, सिर्फ दोस्त एक रिजल्ट जारी कर दिया गया। अब इस रिजल्ट से आप बताइए क्या अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ सिर्फ रोल नंबर दिख रहा है, कोई नंबर आपको दिख रहा है, कैसे आप अंदाजा लगाएंगे इस रोल नंबर के बच्चे को कितने नंबर है। ठीक है, तो समझिए आप लोग, जब सही तरीके से रिजल्ट आता तो यहाँ पर ऐसे लिखा रहता है आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, आपके पिताजी का नाम या माता जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आप मेल है या फीमेल, कैटेगरी क्या है, उसके बाद सिलेक्शन कैटेगरी, ये दोस्तों जो दो कैटेगरी होती है। यहाँ पर आप ओबीसी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये आरक्षण घोटाला के बाद की बात है। ठीक है, पहले की बात होती तो यूआर ऐसी कैटेगरी भी आपको देखने को मिलती है, क्या किसी बच्चे के स्पेशल रिजर्वेशन है। तो सवाल दोस्तों बहुत से थे, और नियोजित शिक्षक जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ नौकरी पाए ना, इससे बहुत से बच्चों को नुकसान हो गया, स्पेशली फ्रेश कैंडिडेट। ठीक है, अब उनका पेपर इतना अच्छा कैसे बना, अब ये भी डाउट में रहेगा सभी बच्चों के, क्योंकि नियोजित शिक्षक इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे फ्रेश कैंडिडेट थे क्या वो पढ़ने में कमजोर तो थे नहीं। तो सवाल दोस्तों बहुत सारा बन रहा है, देखते हैं आने वाले टाइम में क्या क्या अपडेट्स आती हैं। अभी जो बच्चे सीटेट में एक भी नंबर से फेल, 89 नंबर या अदर स्टेट वाले बच्चे बाहर होंगे। ठीक है, बिहार वाले बच्चे तो बच जाएंगे, 75 तक की बिहार में कट ऑफ है सीटेट में, 75, 82, 90 नंबर। तो मतलब दोस्तों लड़कों के साथ हर जगह अन्याय हुआ। अब देखिए अगर कोई फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के वो 82 में पास मानी जाएगी बिहार, और दोस्तों बीपीएससी में 68 नंबर आ गए तो मेल कैंडिडेट की सीट लेगी, डबल आरक्षण। ठीक है, ये वाला भी दिक्कत आएगी अभी, चलिए देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।